हेलो डियर फ्रेंड्स वेलकम टू नेट क्लासेस सी एस एंड पेपर वन डियर फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सीरीज़ में हमने कर लिया है अप्रोचेस टू ए आई अब हम आ गए हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन पे और आर्टिफिशियल uh, इंटेलिजेंस जो एन टी आई यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस का टेंथ यूनिट है इसके मैंने तीन लेक्चर्स दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डेडिकेटेड और उसके पहले मैंने छः सात लेक्चर में आपको एप्रोचेस टू ए आई फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट किया है तो मैंने बिल्कुल उसको अच्छे से बता दिया उसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है हाँ इसी को आपको मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा और आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे रिवीजन ज़रूरी है और प्रैक्टिस जो क्वेश्चन मैंने कराया है बाकी क्वेश्चन आप नेट पे सर्च करके भी सॉल्व कर सकते हैं तो इतना सफिशियंट है अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में हम आते हैं तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स प्रिंसिपल एकटेड बाय ह्यूमन हम आ, किसी फैक्ट को या फिर किसी प्रिंसिपल को कलेक्ट करके एक जगह रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन मतलब कि किसी इंफॉर्मेशन को आपको एक रूल के साथ रिप्रेजेंट करना होता है नॉलेज मीन्स क्या होता है नॉलेज का मतलब लैंग्वेज कॉन्सेप्ट प्रोसीजर रूल्स आइडियाज एब्स्ट्रैक्शन प्लेसेस कस्टम फैक्ट एसोसिएशन मतलब कोई भी टर्म जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं उसको हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसमें कुछ वेरिएशंस भी आते हैं जैसे हॉर्न लॉजिक है हायर ऑर्डर लॉजिक है थ्री वैल्यू लॉजिक है और प्रोबेबलिस्टिक लॉजिक है तो इसमें हॉन लॉजिक जो है हमारे सिलेबस में है इसे हमें पढ़ना है तो ये होता है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी फैक्ट को किसी रूल से हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं एक सिस्टमेटिक वे में तो वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता है अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्योंकि यहाँ लॉजिक को ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ प्रोडक्शन रूल्स का यूज होता है सीमेंट नेटवर्क्स होते हैं फ्रेम्स होते हैं वीक स्लॉट्स इस्ट्रॉग स्लॉट्स होते हैं और स्क्रिप्ट्स का हम यूज़ करते हैं स्टोरीज इसको बोला जा सकता है तो इस तरह से हम नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि कंप्यूटर एआई में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बस बोल के वर्बली तो कर नहीं सकते हैं तो हर चीज़ का एक क्योंकि वो हमको मशीन को समझाना है और मशीन को समझाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक पैटर्न फिक्स करना पड़ेगा कुछ एक रूल फिक्स करना पड़ेगा जिसके बेस पे आप मशीन को हर बार उसी तरीके से समझाए वो उस रूल को समझेगा तो इसलिए हम लोग इसमें फिर लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके लिए हम दो चीज़ का यूज करते हैं एक है प्रोपोजिशनल लॉजिक और एक है प्रेडिकेट लॉजिक इसका नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा लेकिन इसका मैंने पूरा आपको हाइर बता दिया ये कहाँ से रिलेटेड है ठीक है तो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है और प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्या होता है या तो यस या तो नो जैसे कि हम डिक्लारेटिव कोई कोई डिक्लारेटिव सेंटेंस जैसे टुडे इज मंडे टुडे इज़ वेडनेसडे तो क्या है या तो आज वेडनेसडे है या तो नहीं है यानी कि इसका आंसर यस yes हो जाएगा लेकिन हम बोलेंगे टुडे इज़ मंडे तो उसका आंसर नो no हो जाएगा यानी कि आइदर यस और नो ये दोनों में उसका रिप्रेजेंटेशन uh, होता है वो डिक्लेरेटिव हो जाता है अब मान लीजिए कि माय नेम इज़ ज्योति मेरा नाम ज्योति है तो इसका आंसर हो जाएगा यस मेरा नाम ज्योति है लेकिन अगर मैं बोलती हूँ माई नेम मज तो इसका आंसर हो जाएगा नो no, नहीं मेरा नाम सिखा नहीं है तो फिर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज हो जा सकते हैं ये प्रोपोजिशनल लॉजिक के अंदर आते हैं उसके बाद है मे गॉड ब्लेस यू तो मे गॉड ब्लेस यू यानी कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है एक्सक्लामेशन तो उसमें हम यस और नो बोल सकते हैं नहीं बोल सकते ये एक विश है ऐसे में हम विश करते हैं भगवान आपको मतलब अच्छा करे तो ये होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक अब प्रोपोजिशनल लॉजिक में भी बहुत सारे चीज़ का यूज होता है प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक के नाम से भी जानते हैं तो प्रोपोजिशन को तो इसमें हम लॉजिक का यूज़ करते हैं और प्रपोजिशनल लॉजिक होता है फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक होता है ये सब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है तो लॉजिक क्या है लॉजिक है ए ग्रेट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज फॉर मेनी ए आई प्रॉब्लम्स अ ग्रेट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लैंग्वेज होता है बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है जैसे मैं आपसे अभी हिंदी में बोल रही हूँ तो क्या है ये पढ़ाने का एक लैंग्वेज है एक्सप्रेस करने का उसी तरह से लॉजिक होता है जिससे कि कंप्यूटर में हम वो लॉजिक को प्रोग्रामिंग के द्वारा फिट करें कि इस इस सिचुएशन में ये होता है इस सिचुएशन का ये सॉल्यूशन है इस सिचुएशन में ये एक्ट करना है तो ये है लॉजिक फिर है प्रपोजिशनल लॉजिक सिंपल फाउंडेशन यूज फॉर सम ए आई प्रॉब्लम्स ये सिंपल तरीके से इसको यूज़ किया जाता है और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक मच मोर एक्सपेंसिव एज अ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज एंड मोर कॉमनली यूज इन ए आई फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक को हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं ए आई में अब देखिए नॉलेज क्या होता है नॉलेज मैंने बताया प्रोसीजुरल नॉलेज होता है और डेक्लारेटिव नॉलेज होता है प्रोसीजुरल में यानी कि हम कोई रूल रेगुलेशन का जैसे कि हम अगर आ, ये सूडो कोड लिखते थे हम एल्गोरिथम लोते तो एक प्रोसीजर होता है उसमें ऐसे नहीं कि हम कहीं भी लिख देंगे और डिक्लेरेटिव में क्या होता है कि हम यस और नो जैसे अभी मैंने बताया आपको डिक्लेरेटिव में अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन को लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन और प्रेडिकेट रूल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसमें प्रोपोजिशनल लॉजिक और प्रेडिकेट लॉजिक आ गया अब प्रोपोजिशनल लॉजिक को हम समझ लेते हैं प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है देखिए इसकी हाइर समझिएगा कि कहाँ से हम आ रहा है ठीक है तो प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम क्या लेते हैं लॉजिकल कॉन्सटेंट्स जैसे कि ट्रू और फॉल्स जीरो और वन आइजर यस और नो तो ये लॉजिकल कॉन्सटेंस हो गए यानी कि हाँ या ना ठीक है फिर है प्रोपोजिशनल सिम्बल्स प्रोपोजिशनल सिंबल्स में क्या है पी क्यू एटोमिक कोई भी एटोमिक मतलब किसी भी अल्फ़ाबेट से हम उसको कैपिटल लेटर से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बल्स इसको बोल सकते हैं बोलते हैं तो ये एटोमिक किसी सेंटेंस को रिप्रजेंट कर देता है जैसे कि Uh, मान लीजिए कि हम बोलते हैं ही इज़ इंटेलिजेंट तो उसको हम आई से रिप्रेजेंट कर दिए या एच से रिप्रेजेंट कर दिए और ही इज इन एम सी ए तो उसको हम एम से रिप्रेजेंट कर दिए तो uh, इस तरह से करके हम um, किसी भी एक सेंटेंस के लिए ऐसे प्रोपोजिशनल सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं हम आपको पता है कि हम प्रायरिटी uh, 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 किसका uh, ये प्रेफरेंस ज़्यादा है और कम है उसके अकॉर्डिंग परंथे का हम यूज़ करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो uh, ये इसको रैपिंग आप कह सकते हैं फिर इसमें हम कनेक्टिव्स यूज़ करते हैं बहुत सारे कनेक्टिव्स जैसे हम ग्रामर ग्रामर यूज़ करते हैं जैसे मैं हिंदी में बोल रही हूँ अभी तो इसमें ग्रामर है उसी तरह ये प्रपोजिशनल लॉजिक का भी ये सारा पार्ट्स है कनेक्टिव्स है इसमें कनेक्टिव्स क्या होता है कंबाइन द सेंटेंसेस किसी सेंटेंस को कनेक्ट करता है मान लीजिए कि मैं बोलती हूँ दिस इज़ अ पेन तो दिस इज़ अ पेन दिस अलग वर्ड है पेन अलग है इज इस इसको जोड़ रहा है कनेक्टिव इसके लिए इज इस है तो इंग्लिश सेंटेंस का कनेक्टिवस वो है उसी तरह यहाँ पे यहाँ मैथमेटिकल लॉजिक में प्रोपोजिशनल लॉजिक में हम कनेक्टिव्स को यूज़ करते हैं और इसमें कुछ फेक्स कनेक्टिव्स हैं जिसकी मदद से ही हम सारा प्रोपोजिशनल लॉजिक का कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं और मशीन को भी उसी के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं तो कनेक्टिव्स में क्या होता है कंजक्सन कंजक्सन को हम एंड भी बोलते हैं या फिर ये ऐसे से को डिनोट करते हैं मतलब इसको प्लस से आप समझ सकते हैं अपने समझने के लिए ठीक है ये एक और चीज़ है ये ये ऊपर का ये पॉइंट जॉइंट है तो ये कंजक्सन हो गया ये जॉइंट कर रहा ठीक है और ये डिसजंक्शन हो गया डिसजंक्शन में ये अलग हो गया पॉइंट्स ठीक है तो ये हम डिसजंक्शन हो गया और फिर है इम्प्लीकेशन इम्प्लीकेशन का साइन ऐसे भी होता है एरो या फिर ऐसे साइन भी होता है इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं बाई डायरेक्शनल में क्या है कि दोनों तरफ एरो है इसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी बोलते हैं और इसको तीन लाइन से भी डिनोट किया जाता है उसके बाद है नेगेशन नेगेशन का साइन ये है या फिर ऐसे टेल्ट बाई डायरेक्शनल को हम बाई कंडीशनल भी बोलते हैं और फिर है इंटेलमेंट इंटेलमेंट भी एक साइन है जैसे कि अल्फ़ा इज़ ट्रू इसका मतलब क्या होता है अल्फा इज़ ट्रू देन बीटा इज़ अल्सो ट्रू तो ये दोनों वाइस वर्सा एक दूसरे को बताते हैं जैसे कि अल्फ़ा इंटेल्स बीटा इफ़ एंड ओनली इफ अल्फा एम्प्लाइज बीटा इज़ वैलिड और ये पूरा इफ़ एंड ओनली इफ को हम आई डबल एफ़ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का जो है आपको मैंने हायर बता दिया इसके टर्म्स बता दिए कि इसमें क्या क्या टर्म हम यूज़ करते हैं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगी उसमें बस इसका यूज़ होता है ये मैंने जो पहले बताया वो उसका बेस था उसको समझने के लिए था कि आप समझें कि वो लाई कहाँ करता है लेकिन ये जो है ये इसी के बेस पे हम सारा प्रोपोजिशन लॉजिक को सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया प्रोपोजिशनल लॉजिक लॉजिकल कांस्टेंट प्रोपोजिशनल सिंबल्स पैरेंथेसिस कनेक्टिव्स और एक होता है लिटरल्स लिटरल्स जैसे मैंने यहाँ बोला एटॉमिक तो यहाँ एटॉमिक सेंटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है तो सेंटेंस क्या हो सकता है टुडे इज संडे टुडे इज नॉट संडे तो टुडे इज संडे को हम एस एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और टुडे इज नॉट संडे को हम नेगेशन एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये लिटरल्स होते हैं एटॉमिक सेंटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं पी और नेगेशन पी तो ये ये था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि आखिर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होता कैसे है प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या है और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन और जो मैंने पहले भी कराए हैं अगर बाकी जो प्रीवियस तीन वीडियोस में नॉल ए आई के क्वेश्चन उसमें भी जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के हैं क्वेश्चन उसको मैं फिर से एक बार आपको समझा दूँगी जिससे कि जिस स्टूडेंट का डाउट है कुछ स्टूडेंट ने किया था मेल तो उनको मैं फिर से अच्छे से उनका क्लियर हो जाए उनका डाउट न रहे इसलिए मैं इसको आपको क्वेश्चंस को करवा दूँगी फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि मेरे समझाने के तरीक़ा से कोई फ़ायदा हो रहा है या फिर लग रहा है कि हाँ ये नोट्स आपके लिए यूज़फुल है और इसके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ बहुत ज़्यादा इसको टाइम देती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल आपको क्रिस्प नोट्स मिले तो फ्रेंड्स आपको अगर हेल्पफुल है आपके लिए आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेट क्लासेस सी एस एंड पेपर वन नेट क्लासेस सी एस कंप्यूटर साइंस एंड पेपर वन और आप इसको शेयर कर सकते हैं और आप इसके बाद जब मैं एप्रोचेस टू ए आई जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर करा दिया तो इस चैप्टर को आपको उसके बाद उसमें और कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको फिर उसी को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को पॉज करके या दो तीन बार अलग से देख के और आप इसके नोट्स इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में और उसके बाद उसको डेली एक बार देखा कीजिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और फ्रेंड्स मेरा क्या है कि मैं मतलब मैंने सोचा था जल्दी जल्दी करा दूँ लेकिन जल्दी जल्दी में मैं जैसे तैसे नहीं कराना चाहती हूँ चाहती हूँ मैं परफेक्शन से बढ़िया से कराना बिल्कुल सॉलिड जो दूँ बिल्कुल सॉलिड हो तो आपको जो करवाऊँगी मैं वो कंप्लीट करवाऊंगी उसके बाद आपको किसी पेड कोर्स में भी वो नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ करवा दूँगी इवन कि मैं अपना भी है तो जब मैं यहाँ ए करा दे रही हूँ तो ये मैं बिल्कुल हंड्रेड परसेंट अच्छे से कराऊँगी क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के पी वाई यूज़ कराओ कोई मतलब नहीं है और केवल कॉन्सेप्ट कर रहा हो तो पी वाइज क्यू के बिना मतलब नहीं है तो मैं धीरे धीरे मतलब अपनी तरफ से मैं एफर्ट लगा रही हूँ जल्दी करूँ लेकिन आपको जो होगा यहाँ वो कंप्लीट होगा उसके बाद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और आप कंपेयर भी करके देख लीजिएगा बाकी सारे प्लेटफॉर्म से कि आपको यहाँ जो मिल रहा है और बाकी जगह कैसे मिल रहा है तो ये कितना यूज़फुल है कितना वर्दी है तो इसको आप बेझिझक अच्छे से नोट्स बना के और फाइनली इसका रिवीजन कीजिए इसके क्वेश्चंस को आपको मैंने बता दिया फिर आप उसको इंटरनेट पे देखिए और अपने मन से सॉल्व कीजिए मैं सच बता रही हूँ आप जब मैं बताती हूँ तो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है लेकिन जब आप उसको बंद कर दीजिएगा और अपने से जब करने जाइएगा तो फिर आपको डाउट आएंगे कि अरे ये कैसे हुआ था आखिर यहाँ पे क्या सोचना था तो इसीलिए इसको बार बार देखना पड़ता है और दस जगह से नहीं देखना होता है एक बार जब मैं यहाँ ए आई करवा रही हूँ तो ए आई के लिए आप यहाँ निश्चिंत होकर रह सकते हैं उसके बाद फिर मैं और मैं जो यूनिट करवाऊँगी उसको फुल फ्लेज अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी मेरे यहाँ फ्री में ही ऐसा नहीं है कि पेड़ का मैंने लाया है तो अभी मे वाले एग्ज़ाम तक के लिए जो मैं यहाँ करवा रही हूँ जो यूनिट वो फुल फ्लेस्ड बढ़िया से करवाऊँगी और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए थैंक यू